विनोद जी नमस्ते, नमस्ते कैसे हैं सर। आप? नमस्ते सर, बिल्कुल बढ़िया, बताइए कैसे हो सर। मैं एकदम ठीक हूँ, आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं अपने हाँ सर, दर्शकों को मुझे बता भी। दूं जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विनोद जी का हमने 1.5 महीने पहले इंटरव्यू था अपने यूट्यूब चैनल पे, वो रिलीज करा था, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लोगों ने बहुत उसको लाइक भी करा। इसके लिए और बहुत बहुत थैंक्स सर। हाँ जी, थैंक्स हमारे दर्शकों का जिनकी जिनकी एनकरेजमेंट हमको मिली है, और उसी वजह से जो एनकरेजमेंट हमें मिली है, हमने सोचा कि एक बार फिर से विनोद जी को थोड़ा डिस्टर्ब करा जाए। मैं सबको बता दूँ कि विनोद जी इस टाइम ऑन द वे टू टोक्यो हैं, दो तीन दिन में इनकी फ्लाइट है बैंगलोर से। ये अभी बैंगलोर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइनल मोमेंट्स हैं। तो फाइनल इन मोमेंट्स के अंदर हम जानना चाह रहे थे विनोद जी से कि कैसा चल रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि और भी बहुत सारे एथलीट जानना चाहेंगे कि हाउ इट इज लाइक टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, और एक बार ही विनोद जी वहाँ पे पहुँच जाए और मेडल जीते तो उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट रहेगी विनोद जी आपसे कि एक बार हमारे दर्शकों को वहाँ से एक बार लाइव करके एक कॉन्वर्सेशन छोटी सी वहाँ से अगर हो तो वो तो और भी बेटर रहेगा। बहरहाल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो विनोद जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने ऑब्वियसली आपको बहुत क्लोजली वॉच करा है पिछले 1.5 महीने के अंदर, जब से दिल्ली के ट्रायल आपको सिलेक्शन हुआ था, और जिस तरह की आपने इंटेंस प्रैक्टिस और इंटेंस आपका वर्कआउट और इंटेंस आपकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो रही है, उसको देखते हुए अब इन फाइनल मोमेंट्स में आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, क्या उसके अंदर उतार चढ़ाव हुआ है, क्या उसके अंदर चेंजेस हुए, जरा इसके बारे में बताइए। सर उतार चढ़ाव तो देखो एक स्पोर्ट्समैन के इसमें चलती रहती हैं, छोटी मोटी इंजरी भी होती रहती हैं, लेकिन बट उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट है जो हमारे फिजियो हमारे पास है, ट्रेनर हैं, तो उनके उन अनुसार ट्रेनिंग करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ध्यान रख के हर चीज़ का तभी ट्रेनिंग करवाते हैं, ऐसा नहीं है। बट दूसरी बात ये है कि सर इस टाइम पे बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखना और अपने आप को मोटिवेट करना, और हार्ड वर्क नहीं स्पीड वर्क चालू हो जाता, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि कोई भी एथलीट है जब कंपटीशन नज़दीक आता है तो सर उसका हार्ड वर्क बंद हो जाता है और स्पीड वर्क चालू हो जाता है। स्पीड वर्क में क्या है कि थोड़ा सा हम कोई भी मतलब एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा स्पीड से करते हैं ताकि हमारी बॉडी एक्टिवेट रहे और हम अच्छे से थ्रो लगा पाएँ या अच्छे से अपने आप को मतलब मेंटेन रखें, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब स्पीड ज़्यादा जरूरी होती है जी। और हमारा क्या चीज़ पता है सर क्या है कि हम डिसेबल पर्सन है कि हमारे कैटेगरी के हिसाब से हमें जो अपनी ट्रेनिंग है वो करनी पड़ती है, क्योंकि एबल बॉडी में हमारे मतलब बहुत डिफरेंट होता है ना, तो हमें जैसे जिम करना है वो भी एक अपनी इंजरी के देख के करना पड़ता है, आने वाले समय को भी देखना पड़ता है कि कैसे हमें वहाँ तक उस टाइम पर ठीक रहेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, हमें अपना 100% भी देना होता है, तो हर चीज़ माइंड में रख के तभी ट्रेनिंग होती है सर। बट इस टाइम पर थोड़ी सी लाइटली ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि 2-3 दिन में मुझे जाना भी है यहाँ से, क्यों मेरा कोई ये मान के चलो सर अभी 2 ही दिन बाकी रह गए, 17 तारीख की मेरी यहाँ से 6 बजे की फ्लाइट है और 18 तारीख की सुबह 3 बजे की फ्लाइट है टोक्यो की। तो ऐसे ऐसे फाइनल मोमेंट्स के अंदर जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक गेम प्लान होता है, हर चीज की एक स्ट्रेटजी होती है, तो आपका इन फाइनल मोमेंट पे क्या गेम प्लान है? देखो सर गेम प्लान तो ये होता है कि हर कोई भी एथलीट कोई भी खिलाड़ी है तो वो उस दिन के लिए गेम प्लान करता है जब हमें वहाँ जाकर कोई कंपटीशन है तो उसकी डेट अपने मायने में रख के चलना पड़ता है, उसी हिसाब से ट्रेनिंग करके उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि सर जो हमारे कंपटीटर हैं उनको भी बार बार हम अपने नेट पे रैंकिंग पे चेक करते हैं कौन कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ, ये भी एक रिसर्च करना पड़ता है कि मैं आज अपनी ग्राउंड में थ्रो लगाई है मेरी वो किस रैंकिंग में गई है और वो लोग तो किस रैंकिंग में है, तो हर चीज़ उनको एक गेम प्लान के अनुसार ही चलता है। दूसरी बात ये है कि सर हमें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को सिर्फ एक हेल्थ मोटिवेशन और अपने कोविड और अपनी अदर कोई भी बीमारी है सिर्फ उनसे अपने आप को बचा के रखना है, और तभी हम अपना वहाँ पे जाके 100% देंगे। और ये नहीं है कि सर अपना 100% कोई भी देता है तो ग्राउंड पे जाकर उसका रिजल्ट मिलता है, ये बात नहीं, नहीं मिलता, मिलेगा उसका 100% मिलेगा, तो हम भी अपना 100% देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बगैर दबाव के बगैर किसी संकोच के। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन तो अपने प्राइम मिनिस्टर भी अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी भी
हर एथलीट को जो भी वहाँ मेडल जीतता है और हर जाने वाली टीम को भी उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया है। और हमारी भी 17 तारीख को सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर जी से हमारी मीटिंग है ऑनलाइन, तो भी हमारे को मोटिवेट करेंगे, थोड़ा और मोटिवेट होता है क्योंकि हमें भी उस चीज का बहुत बड़ा फायदा मिलता है सर इस चीज का। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है। जी सर, जी 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 जी। देखो सर, पहले क्या था कि पैरा ओलंपिक में और ओलंपिक में थोड़ा डिफरेंट था सर। अब की बात जैसे सरकार ने हमारे को इतना मोटिवेशन और इतना मतलब हमें थोड़ा सा हर चीज से उन्होंने सहयोग किया है। जैसे साई का भी सहयोग हमारे पास बहुत अच्छा है, मैं ओजी के जो स्पॉन्सर हूँ सर, उन लोगों ने भी एक हमारे को दो ढाई साल हो गए सर स्पॉन्सर किए हुए, किसी भी चीज की उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी रखने की कोशिश नहीं करी। तो साई का, और दूसरी बात सर ये बेंगलोर है, बेंगलोर सेंटर में रह रहा हूँ तो 1 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। मेरे को सत्यनारायण जी थे मेरे पास, जो मैं अपने साथ अपने भाई सोमवीर को लेके आया था, उसको भी वो भी मेरे साथ हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उनको भी तो मेरे से बहुत अच्छा है, तो उनको भी एक उम्मीद होती है कि हम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है और सही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं नहीं बहुत बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात करी है, सबका सपोर्ट है, सबका आपको सपोर्ट मिला है और सबका ध्यान है, सबका फोकस आप लोगों के ऊपर है। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है 54 लोगों का, यूं ही नहीं बन जाता इतना बड़ा कंटिंजेंट, बहुत लोगों की, एथलीट की और सबकी बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, आपने एक बात करी कि फाइनल मोमेंट में आप अपनी रैंकिंग चेक करते रहते हैं कि आपकी वो कैसी जा रही है, तो अभी आपको कुछ पता चला आपका कॉम्पिटिशन वहाँ पे कैसा रहेगा, कितना कॉन्फिडेंस है? देखो सर, एक चीज है माइंड में रख के चलते हैं कि वो जो मेरे कंप्यूटर हैं, जो उनको मैं अपना कंप्यूटर मानता हूँ, वो यूरोप से हैं, तो यूरोप में क्या है कि थोड़ा सा ठंड होती है और यहाँ पे थोड़ी सी जापान में गर्मी मिलेगी। हम उस माहौल में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उस माहौल में ट्रेनिंग कर रहे हैं ठंड में, और ठंड में से आके जब गर्मी में पार्टिसिपेट करते, थोड़ा सा उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा लूज पॉइंट होता है। बट हमें उस चीज़ को वो नहीं देखना, सिर्फ हमें अपने आप को प्रिपेयर तरीके से तैयार करना है। उस तरीके से हम अपना मतलब जैसे ही मेरा जैसे इवेंट है 29 को है, मेरा इवेंट 29 अगस्त को भारतीय टाइम के अनुसार सर करीबन 3:30 बजे के आसपास रहेगा, 3:30 भी हो सकता है, 3:15 भी हो सकता है, 4:15 भी हो सकता है, बट वहीं के टाइम पे सर होएगा करीबन 7:30 और 8 बजे के आसपास। तो उस वेदर के अनुसार हम ट्रेनिंग करेंगे तभी जाके हम सक्सेस होंगे सर। और हमें तो प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरे को 10 दिन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा सेट हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, एनवायरनमेंट का और वेदर का जो फर्क पड़ेगा वो बहुत 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 क्रिटिकल चीज है। अच्छा तो मैंने बताया कि अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है इंडिया की तरफ से, तो अभी ओलंपिक्स के अंदर भी इंडिया ने अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है विद विनिंग ऑफ 7 मेडल्स, तो आपके हिसाब से इंडिया के क्या चांसेस बनते हैं मेडल? देखो सर, ऐसा है कि पहली बार इंडिया में 7 मेडल आए एक गोल्ड मेडल के हिसाब से, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी हॉकी टीम ने भी बहुत ही अच्छा किया, वुमेन ने भी, मैन ने भी, और हमारे जो भी एथलीट थे जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, बजरंग पुनिया जी हैं और रवि दहिया जी हैं, इन सब ने बहुत अच्छा किया है, उनसे भी हमें बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है। मतलब हम ये चीज़ बार बार देखते हैं तो हमारा भी एक मोटिवेशन बढ़ जाता है उस बात से। और दूसरी बात ये है कि सर इस टाइम पे 54 कंटेंशन जो जा रहा है हमारा पैरा का, वो सबसे बड़ा है, पहले इससे ज़्यादा आज तक का जाना इससे बड़ा कोई भी कंटेंशन नहीं गया। हम जो अपनी नज़र में देख रहे हैं, हम खुद सोच रहे हैं कि 14 से 15 मेडल आने की उम्मीद है पूरी पूरी, सर ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक कम भी हो सकता है, ये तो एक टाइम के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ से किस टाइम क्या होगा, बट जो हम अपनी आस लगाए हैं वो 14 से 15 मेडल के लिए हम आस लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि लोगों को आपसे और बाकी एथलीट से तो बहुत उम्मीदें हैं ही, वो उम्मीदें वो इसलिए भी हैं क्योंकि आप सब एकदम टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं और सबसे बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है, आपकी क्या उम्मीदें हैं एज एन एथलीट हम भारतवासियों से इस मोमेंट? सर ये आपने सर बहुत अच्छा किया जब मुझे क्वेश्चन पूछा। सर देखो क्या होता है कि कोई भी एक ओलंपिक सबसे बड़ा गेम होता है पहली बार, दूसरी चीज़ सर ये है कि पार्टिसिपेट करना ही हमारे मतलब हमारे को बहुत बड़ी बात होती है। और इस टाइम पे जैसे अभी मैं ये समझता हूँ कि अपने
हिंदुस्तान वासियों ने, भारतवासियों ने जितना प्यार उन लोगों को दिया है कि मैं समझता हूँ कि उतना ही प्यार हमें भी मिलेगा, हम जब वापस लौट के आएंगे मेडल जीत के ले आएंगे। तो सर मेरा मन तो यही है कि जैसे उन लोगों को प्यार मिला और हमें आज तक जितना प्यार मिला है उससे हमारे को और प्यार मिलने की बहुत उम्मीद है सर। और ऐसे ही मैं भी ये सोचता हूँ कि हमारा जाके वहाँ पे मेडल जीते और हम अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी प्यार मिलेगा, इसकी पूरी पूरी उम्मीद। अच्छा विनोद जी, तो मैं देखिए सबसे कहूंगा इस टाइम जितने भी हमारे दर्शक हैं कि आपका इवेंट होने वाला है 29 तारीख को, ठीक है, और 29 तारीख को इंडिया के हिसाब से, इंडिया के टाइम के हिसाब से दोपहर को 3:30 बजे ये इंडिया के टाइम के हिसाब से इवेंट होगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने जो टीवी है उसको खोल के देखिए, विनोद जी का इवेंट है, विनोद जी के इवेंट को सपोर्ट करिए। और एक चीज जैसा छोटी सी, मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे 24 से हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा, पैरा ओलंपिक गेम, और हमारा जो डीडी न्यूज पे और यूरो स्पोर्ट पे लाइव टेलीकास्ट होगा, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया हमारा गेम देखें और हमें मोटिवेशन करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो ये मेरी सबसे एक्सपेक्टेशन है, जितने भी बिलोंग टू स्पोर्ट्स के व्यूअर्स हैं, और बिलोंग टू स्पोर्ट्स के नहीं, जितने भी इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स के व्यूअर्स हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, प्लीज हम सबकी ये जिम्मेदारी और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो पैरा एथलीट की टीम जा रही है उन सबको सपोर्ट करें। प्लीज डू वॉच, प्लीज ट्यून इन, और हम एज अ बिलोंग टू स्पोर्ट्स की टीम तो इस चीज़ को बहुत ही क्लोजली कवर तो करेगी, तो हम मिनट बाय मिनट इन सब चीज़ों की कवर अपने सोशल मीडिया पे और वेबसाइट पे डालते रहेंगे। और हो सके तो विनोद जी आपसे एक बार वहाँ पे जब आप पहुँच जाएंगे प्री इवेंट या फिर पोस्ट इवेंट, आपका एक जूम पे हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ एक बार लाइव आए। तो इस रिक्वेस्ट के साथ मैं विदा चाहूँगा आपसे विनोद जी, और बेस्ट ऑफ लक, और हम सबकी आपके साथ बहुत बहुत विशेष हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।